शिवपुरी शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र के झिंगुरा में कनेक्शन काटने के दौरान मीटर रीडर की पिटाई कर दी। वहीं महिला ने आरोप लगाया कि एक दिन पहले उसके घर आकर 10,000 रुपये ले गए थे और सेटलमेंट की बात कही थी। जब मीटर रीडर से 10,000 की रसीद मांगी तो अभद्रता पर उतर आए, इसी वजह से विवाद हुआ है। घटना के बाद बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी थाने पहुंचे, जहां मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। वहीं महिला ने भी अपने पक्ष से आवेदन देकर अभद्रता के आरोप मीटर कर्मी पर लगाए हैं। बिजली कंपनी के डी AK साहू की माने तो झिंगुरा ने जब अपनी कंपनी के लोग बिजली बिल जमा न कराने पर कनेक्शन काटने गए थे, तभी मीटर रीडर नवीन झा को गालियां देकर उससे मारपीट लाला राम कुशवाहा ने कर दी। नवीन ने बताया कि वह झिंगुरा में नकोबाई धाकड़ का कनेक्शन काट रहे थे, तभी पास में रहने वाली मुन्नीबाई पत्नी लाला राम कुशवाहा, जिस पर 26,000 का बिल 2 साल से बकाया है, गाली गलौज करने लगे। जब उनसे ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने मेरे से मारपीट भी की। इसके बाद सीधे थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत की। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। भैया परसों के दिन तो 10,000 दिए थे जने, और कल आज दोबारा पूछ गया 4 बजे जी लाइट वाले जी पहुंची। सुबह से बात कर रहे हैं, मैंने बोली के वो अंदर घुसे आए, मैंने कही के बाहर से बात कर लेना, बाहर से नहीं अंदर आ गए। मेरे सास ससुर तो गमी में गए थे, बच्चे ही थे हमारे, तो जिनसे बोले मैंने बाहर से बात कर लेना, बाहर से नहीं अंदर घुसे आए। अंदर से गलत सलत बोल लगे मुझसे, जो ना हमारे ससुर जी आ गए तो जी गलत मन बोल रहे मुझसे, गाली बकल लगे ससुर जी, तो जी चेंट गए लात मारी उनके, लात मात मार दी सो लात मार लगे जिनने लाइट वाले ने, हाँ ससुर के बिन्ने मारे बिचे गए फिर ससुर की बिचे लात दे रही पहले तो पेपर भी अंदर अंदर देख लेना, अंदर गलत से बोल रहे थे तो बिन्ने देख ले सुबह कह लगे के तू भाव से लेगा का बिल, कल ही दी थी 10,000 रुपया मैंने हमसे मुझसे आ रहे थे पैसे देना, जब नहीं बोल रहे मैं बिजली MPP में जॉब करता हूँ, तो क्या है उनका बिजली का बिल बकाया था लगभग 26,000 रुपये के लगभग, तो 25 तारीख को मैं उनको बोले आया था, वार्निंग दिया था कि आप बिजली का बिल जमा कर दीजिए नहीं तो अंततः कनेक्शन कट जाएगा। तो उन्होंने मुझसे 3-4 दिन की बोल दिया था, मतलब पूरा स्टाफ गया था उनसे कि 3-4 दिन में छोड़ दो, उसके बाद मैं जमा कर दूंगा पूरा पैसा। अब फिर हम आज 31 तारीख को 2 बजे के लगभग उनके पास गए कि बिजली का बिल आप जमा कर दीजिए, तो उन्होंने 5 बजे का टाइम दे दिया था। 5 बजे के टाइम पे जब हम बिजली का बिल लेने गए उनसे, उन्होंने मना किया तो उन्होंने नक्सली खंभे से लगा के कनेक्शन काटने की कार्रवाई करने लगे, तो उधर से वो आए गाली गलौज करने लगे। मेरे साथ लाइनमैन थे संजय सैन, उन्होंने पूछा अंकल जी आप गाली गलौज क्यों कर रहे हो, जो भी ये निराकरण मुझे बताइए। उसके बाद ये हमारा मामला ये है कि कर्मचारी जो है बकाया राशि पर कनेक्शन काटने गया था, उसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट क्यों हुई? कनेक्शन काटने पर का? 26,000 रुपये बकाया थे। गलत है, गलत कर रहे थे, गलत करना नहीं चाहिए, बिल्कुल मानते हैं, जबकि सरकार उनकी है, गलत आदमी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यदि सरकार वसूली नहीं आएगी तो कैसे चलेगी? विद्युत विभाग इस पर क्या एक्शन लेने वाला है? हमने तो अपनी रिपोर्ट कर दी है हमने थाने में। नगर पालिका अध्यक्ष के इस बर्ताव पे विद्युत विभाग के एक्शन लेगा रोज तो है, पर अब आगे हम वरिष्ठ अधिकारियों को बताएंगे क्या उस पर प्रतिक्रिया होती है। मुझे अभी जान सूचना मिली थी कि जहाँ कोई जो है लड़ाई वड़ाई हो गई थी उसमें वार्ड नंबर 36 में कोई बिजली के बिल के ऊपर, तो उसके बाद इसमें मैंने बुलाया था, मैं जहाँ पर आ गया तो दोनों के आवेदन ले लिए गए हैं, और दोनों की जाँच के बाद जो है जो भी निर्णय होगा वो आप सब। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कर्मचारियों की मारपीट की है? नहीं, दोनों की एक दूसरे ने दोनों को मारा है, दो ही लोग। रिपोर्ट सपोर्ट करने आए नहीं, मैं तो दोनों का सपोर्ट करना चाहता हूँ। देखो क्या जो गलत नहीं पक्षपात नहीं, मैं तो दोनों का जो निर्णय होगा होना चाहिए। आपके ऊपर खुला आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पे कि आप पक्षपात कर रहे हैं? नहीं, मैं पक्ष की बात के चक्कर में नहीं आया, जो न्याय मिलेगा न्याय के उसमें आए अपन दरबार में, अपन किसी पक्षपात करने नहीं आए। आज बिजली विभाग का मीटर रीडर आया हमारे पास कि उसके साथ अभद्रता हुई, मारपीट हुई है। वो बिजली का कनेक्शन काटने गया था झींगरा पे, जो कि हमारे थाना क्षेत्र में आता है, वो उसने आके रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद दूसरी पार्टी भी आ गई, तो उसमें विनीता